भगवान ने चांद सितारों से जगमगाती अपनी खूबसूरत दुनिया में और जीवों के साथ सबसे उत्तम जीव इंसान को बनाया, इसलिए कि वो सच्चाई की राहों पर चलता अपने लक्ष्य पर पहुंच भाव सागर से पार हो जाए। लेकिन अफसोस, इंसान भगवान के इस उपकार को समझ नहीं पाता, तृष्णाओं और कामनाओं में उलझकर भटक जाता है। झूठे सुखों को पाने के लोभ में सच्चे सुखों से भरी झोली खाली कर बैठता है। ऐसी ही एक घटना घटी। बनोगे नवाब। माशाल्लाह माशाल्लाह। छी, अबे शरद, क्यों काले अक्षर पढ़ पढ़ के अपनी भरी जवानी में अपने आंखों का सत्यानाश कर लिया है। थैंक यू। अरे उधर देख क्या हरियाली है। अरे देख तो सही, हरियाली और ये रास्ता, हरियाली और ये रास्ता। हाय कीना, हाय बिंदिया, हाय बाय। चप्पल भाई, कॉलेज की सारी लड़कियां आपको जानती हैं, वो कैसे? वो ऐसे कि आप इस कॉलेज के फर्स्ट ईयर में अभी पैदा हुए हैं और हमारे चंपकलाल उर्फ भोपू इस कॉलेज के भीष्म पितामह हैं। पिछले 6 सालों से फर्स्ट ईयर में ही जमे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं और मुझ का पहला बाल उगते ही उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, करेंगे तो लव मैरिज, नहीं तो कुंवारे बैठे रहेंगे। और लव करने के लिए फ्रेश कन्याएं केवल फर्स्ट ईयर में ही मिलती हैं। करेक्ट। लेकिन तेरा ये साल बहुत बेकार गया यार। हाँ। क्यों? वो इसलिए कि इस साल तो चुन चुन कर लड़कियां मंदोदरी के खानदान से आई हुई हैं। हाँ, ये परम सत्य है। लेकिन एक बढ़ती तो मेनका के खानदान से हुई है। विश्वामित्र, वो देखो हरे सूट में जा रही है। अब तक कहाँ थी ये बालिका? कल आई है लेट एडमिशन से। त्रिवेणी है, त्रिवेणी, 3-in-1। साइड से देखो तो वैजंती माला, पीछे से देखो तो मधुबाला, सामने से देखो तो उष्ण का प्याला। प्या प्या ऐ विश्वामित्र जी, समाधि भंग हो गई। मैं चलता हूँ। ए त्रिवेणी में स्नान नहीं करोगे? वही करने जा रहा हूँ बेटा। वही। हाँ ए भाई, डूबने लगे तो पुकार लियो। वो तो स्नान करने चला गया, मुझे तो हाथ मुंह धोने के लिए जगह नहीं। चुप। हाय हाय हाय, पितामह जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था। लड़की तो त्रिवेणी है, गलती करनी पड़ेगी। त्रिवेणी जी,
ये लीजिए, मुंह दिखाई के चने। घबराइए नहीं, मैं इसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, एमएससी फाइनल में हूँ। ओ, फिर तो आप हमारे सीनियर हुए। जाहिर है, नजराना हमें पेश करना चाहिए। फौरन कीजिए। क्यों बे, किसका हाथ पड़ा? वैजयंती माला का, मधुबाला का, या हाथ नहीं पड़ा यार, ये तो उसने अपने हुस्न का प्याला छलकाया है। देख, ये प्याला नहीं विश्वामित्र, ये लोटा है, अपने पास ही रखना, नहाने के लिए काम आएगा। अब ये सब छोड़ शरद, बड़ा हो गया है, कल बीवी आएगी, बच्चे होंगे। तब क्या मैं आपका वो शरद नहीं रहूंगा भैया, जिसे पाल पोस कर आपने इतना बड़ा किया, जिसकी बीमारी में आपने रातों को पलके तक नहीं जपकी, जिसे पेट काट काट कर आप इतना पढ़ा रहे हैं। भैया, क्या उम्र के साथ रिश्ते बदल जाते हैं? बोलना सीख गया है। अच्छा चल दबा। शरद, तेरा हाथ लगते ही थकन न जाने कहां उड़ जाती है। हर आए दिन इनके तो टूर ही लगे रहते हैं, कभी मद्रास, कभी दिल्ली, कभी भोपाल, कभी कलकत्ता, लगता है सारी जिंदगी सफर में ही बीत जाएगी। कहने को तो 10 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन घर में जितने दिन रहे, चाहो तो उंगलियों पे गिन लो। अरे नहीं नहीं, उंगलियां कम पड़ जाएंगी, उंगलियों के बराबर दिन तो हमने सुहागरात को। बुआ बैठी है। मैंने तो सोच लिया है, अपने शरद को ऐसे किसी नौकरी में नहीं झोंकना जहां घर परिवार का सुखी ना लिखा हो। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे शरद का फ्यूचर इतना ब्राइट है गंगा, कि तुम देखती रह जाओगी। एमएससी पास करने के बाद देखना, तुम बड़ी बड़ी ऑफिस तुम्हारे लाडले के घर दौड़ कर चली आएंगे। सच? राम करे, इस वक्त तुम्हारे मुंह में सरस्वती मां विराज रही हो, मेरा शरद घर की सारी जिम्मेदारियां उठा ले और तुम चैन की सांस ले सको। अरे तुम चैन की सांस की बात कर रही हो? देखना हमारी धाक जमेगी धाक, लोग कहेंगे वो रहा शरद का बड़ा भाई। शरद का भाई और मैं? अरे नहीं नहीं नहीं, गंगा का पति भी। गंगा, मेरी फाइल कहाँ? वो रही, कोट में लाती हूँ। गंगा, अपनी रूपमती और शरद की जोड़ी कैसी रहेगी? तुम भी बुआ, कहाँ रूपमती और कहाँ शरद? क्यों, क्या कमी है उसमें? अरे तूने तो बरसों पहले देखी थी, अब के तेरे जजकी के टाइम लाऊंगी तो देखना कैसे होशियार हो गए घर के काम में। बुआ। गंगा जी। अच्छा गंगा, चलता हूँ, देर हो रही है। दो मिनट, जरा किसी को भेज के ब्लेड मंगवाती हूँ। अरे बाबा, ब्लेड तो सब जगह मिलते हैं, रास्ते में खरीद लूंगा। आज तक कभी तुमने कुछ खरीदा है? बाबे, अरे तैयारी हो गई भैया? हाँ। अच्छा हो गया, मैं सही वक्त पे आ गया। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, जल्दी से दौड़ कर जाओ ब्लेड लेकर आओ इनके लिए। अभी? अभी इसी वक्त, नहीं तो इनकी फ्लाइट छूट जाएगी। ओ लादो। जल्दी। गंगा अपना पूरा ख्याल रखना, टॉनिक, आराम, सब कुछ समय पर। अरे तुम फिकर मत करो जवाई जी, मैं आज ही गांव जाती हूँ और लौटती गाड़ी से रूपमती को लेकर चली आती हूँ। मेरी रूपमती गंगा को ही क्या, गुड्डी और शरद को भी अच्छे से संभाल लेगी। नमस्ते गुप्ता जी। नमस्ते बेटी। वो मेरी पॉलिश भूरे भूरे रंग वाली? मालूम है बेटी, कितनी बार तो यहाँ से ले जा चुकी हो, ये लो आखिरी शीशी बची है तुम्हारे नसीब से। रियली? वाह, क्या ग्रेट नसीब है यार। वाओ, यू आर लकी। त्रिवेणी जी, अगर दिखता कम है तो चश्मा हटाकर क्यों नहीं चलते? आई एम वेरी सॉरी, मैं जरा जल्दी में था। आइए आपको दूसरी शीशी दिला देता हूँ। दूसरी शीशी दिला देता हूँ? दूसरी होती तो मैं खुद नहीं खरीद लेती। अब मुंह फाड़े क्या देख रहे हो, उठाओ और पोत लो अपने मुंह पर। चलो रेनू। चलो। पोत लो।
सुनिए जी, एक 7 o'clock ब्लेड का पैकेट दिए और ये नेल पॉलिश की शीशी। ये लीजिए ब्लेड और नेल पॉलिश की आखिरी शीशी थी जो आपने तोड़ दी। अरे बेचारी हर महीने इसी कलर की नेल पॉलिश खरीदती है। अच्छा ये है कितने की? 25 रुपए। 25 रुपए जी, बहुत ज्यादा है यार। वाह। अरे रेनू, दादू के लिए कुर्ता लेना था, वो तो मैं भूल ही गई। कोई बात नहीं है, पास ही में अच्छी दुकान है, तू चलना मेरे साथ। चल। ये लो सेट पान। क्यों बे रघु, तूने पहले क्यों नहीं बताया कि तेरे मोहल्ले में दिन दहाड़े भी चांद नजर आता है? वाह क्या बात है। ये किसकी बात कर रहे हैं आप? देख हुजूर, वो मेरी भतीजी है। तुम्हारी भतीजी है? I see. सुना है इस ओल्ड मिस न्यू वाले फंक्शन के आड़ में नए स्टूडेंट्स की जबरदस्त रैगिंग होती है। मुझे तो भाई बड़ा डर लग रहा है। मेरे होते हुए डर, उस दिन की बात भूल गई क्या? क्या दिया था घुमा के उस दिन, कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह छाप के रख दिया था उसके गाल पर। तू कुछ ज्यादा ही रंगबाजी दिखाती है। अरे नोक झोंक तो कॉलेज में चलती है। कॉलेज में ना, और कॉलेज के बाहर कमबख्त ने मेरी नेल पॉलिश की बोतल तोड़ दी। उस दिन तो मैं चुप रह गई, लेकिन अब अगर वो मुझे मिल गया और मैंने उसका सर ना तोड़ा तो मेरा नाम पूनम नहीं, बंदे का सर हाजिर है। जिया, लेकिन सर तोड़वाने से पहले मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात कि अगर आपका नाम पूनम है तो बंदे को शरद कहते हैं, और अगर ये दोनों नाम मिलकर एक हो जाए तो सारी दुनिया में चांदनी चांदनी हो जाएगी, जैसे शरद पूर्णिमा की रात को होती है। क्यों, क्या ख्याल है आपका? अरे ना ना ना, अभी दूसरी बात बाकी है। कहते हैं कि अगर किसी का कर्ज चुकाने से पहले कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, इसलिए ये लीजिए। क्यों, क्या ख्याल है आपका? अरे मर जाओ। थैंक यू, थैंक यू। ये क्या हो रहा है? हैं? प्लीज भगवान के लिए आप यहाँ से चली जाइए। चलो प्लीज, चलो जाते हो। ओके सर, इसका नाम पूनम किसने रख दिया? इसका नाम तो फूरन होना चाहिए था। क्या? ओके ओके, बाय बाय। वो कौन लगता है तेरा जो इस पैकेट को इतने प्यार से संभाल लिया? कौन लगता है, ये तो पैकेट खोलने के बाद ही पता चलेगा। अरे इसमें नेल पॉलिश की शीशियां हैं। आहा, इसमें प्रेम पत्र भी है। पूनम जी, एक ही रंग के दायरे में कैद हो जाने को जिंदगी नहीं कहा जा सकता। वाओ, व्हाट अ थॉट। जीवन के इंद्रधनुषी गुलदस्ते में ढेरों रंग के फूल होते हैं, और जब इनमें प्यार का रंग भी शामिल हो जाता है तो रंगों के महफिल में खुशबुओं के मेले भी जुड़ जाते हैं। वाह, लगता है जनाब शायर है। मुझे तो पागल लगता है। प्यार का दूसरा नाम ही पागलपन है मेम साहब। होगा। बस बस बस, आपकी तालियां गवाह हैं कि आपको हमारे आइटम्स पसंद आ रहे हैं, लेकिन प्लीज इतनी तालियां ना बजाएं कि आज की आखिरी और मेन आइटम की दाद देने के लिए आपके पास कुछ बचे ही नहीं। ऑल मिक्स न्यू, ऑल मिक्स न्यू, ऑल मिक्स न्यू, ऑल मिक्स न्यू। बेशक आइटम यही है जिसमें जीतने वाले को 2100 रुपए और एक ट्रॉफी आज के चीफ गेस्ट प्रसिद्ध उद्योगपति श्री रंगराज के हाथों दिए जाएंगे। तो आइए दिल थाम कर देखते हैं ये थ्रिलिंग आइटम जिसमें ओल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं शरद वर्मा, और न्यू के रिप्रेजेंटेटिव हैं कुमारी पूनम।
इतना गुरूर, सूरत पे है हसीना मत कर इतना गुरूर, सूरत पे है हसीना तेरी सूरत पे नहीं, हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं, तेरी सूरत पे नहीं, हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं। I'm not afraid.
जजेस की राय के मुताबिक जीत और इनाम की हकदार हैं कुमारी पूनम न्यू। गिव अ बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन। चलो चले चलो। अबे शरद के बच्चे, अब ये क्या हो रही है, क्या हो रही है हाँ? उस दिन पूनम से थप्पड़ खाया और आज मुकाबला हार के हमारी नाक कटवा दी, हमारा सर झुका दिया तूने हाँ? तू जो चाहे कह ले चंपक, लेकिन आज मुझे वो खुशी मिली है जिसकी छाया भी आज तक मुझ पर कभी नहीं पड़ी थी। अबे उल्टी खोपड़ी की, आज तुझे क्या हो गया है? अबे धीरे बोल यार चंपक, बचपन से लेकर आज तक तुझसे मैंने कुछ नहीं छिपाया। दरअसल नेल पॉलिश लेकर पहले मैं पूनम के घर गया था और वहां उसके दादाजी से बातों बातों में मैंने वो सब जाना कि इस बहादुर लड़की के लिए मेरा मन प्रेम और आदर से झुक गया। हाँ चंपक, ये बेचारी भी मेरी तरह बिन माँ बाप की है, लेकिन भैया और भाभी की ममता की छाव ने मुझे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मगर ये लड़की न सिर्फ अपने बलबूते पर पड़ रही है बल्कि अपना और अपने दादाजी का पेट भी पाल रही है। मैंने सोचा कि अगर ये जीत जाएगी तो इनाम के पैसे से इसे कुछ तो सहारा मिलेगा यार। शरद, तुझे मदद ही करनी थी तो जीतने के बाद भी कर सकता था, दे देता सारी रकम उसे। नहीं दोस्त, खुददारी की उजली चादर पर एहसानों के दाग लगाना अच्छी बात नहीं। पर हमारे हाथों ने तुम्हें अवार्ड दिया, जबान ने कंग्रेचुलेट किया, फिर भी वो ना कह पाए जो हम कहना चाहते थे। मैं समझी नहीं सर। समझ जाओगी, पहले ये मुरझाए हुए फूल नीचे फेंक दो और ये गुलाब कबूल कर लो जिन्हें हम खास तुम्हारे लिए अपने दिल के बगिया से तोड़ के लाए हैं। लगता है आप कोई भारी गलत फहमी में है मिस्टर रंगराज। आप जैसे लोगों के सीने में दिल की जगह गंदगी का वो ढेर पड़ा होता है जिसमें गुलाब नहीं, हवस और अपराधों का वो कीचड़ उगता और बहता है जिसे कोई हाथ भी लगाना पसंद नहीं करता। फिर तो इसी कीचड़ से एक दिन रंगराज तेरी मांग भरेगा। आपने बुलाया सेठ? बैठो रघुनाथ। अभी तू हमारे साथ बैठकर पीने के काबिल नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है अगर तू चमचा गिरी को रिश्तेदारी में बदल दे तो। वो कैसे सेठ? तुम्हारी एक हसीन और जवान भतीजी है, उसने हमारे साथ बदतमीजी की है, लेकिन हम उसे दिल दे बैठे हैं, उसकी मांग भरने का फैसला कर बैठे हैं। तुम्हें हमारा यह काम करना होगा,
खामोश क्यों हो गए? सरकार कांटा है रास्ते का। कांटा हम उखाड़ कर फेंक देंगे, बाकी काम हम पूरा कर देंगे, ये हमारा वादा रहा। गुड गुड। रवि, रघु साहब को ड्रिंक दो। आपने मुझसे नमस्ते कहा? कमाल है, ना थप्पड़ मारा ना सर पड़ा, ऊपर से नमस्ते, ये कैसे हो सकता है? आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं, आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, इजाजत है? दरअसल क्या है पूनम जी, अगर मुझे पता होता ना कि आप इतनी अच्छी कलाकारा है, इतना मीठा गाती है, तो मैं आपके सामने खड़े रहने की हिम्मत ही नहीं करता। अरे ये क्या, आप रोने लगी? आज फिर मुझसे कोई बदतमीजी हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। प्लीज बस कीजिए, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। दादाजी ने बचपन में फरिश्तों की कहानियां तो सुनाई थी, मगर ये नहीं कहा था कि वो कभी कभी धरती पर भी मिल जाते हैं। उस दिन आप जानबूझकर हारे थे मेरी खातिर, ये बात मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। रंगों की महफिल में खुशबुओं के मेले भी जुड़ने लगे हैं, कहीं मेरी जिंदगी में तुम्हारा प्यार तो शामिल नहीं हो गया शरद? Thank you.
निशा गुड्डी देख तो कौन है? आप ही देख लो ना चाचा। हाँ? अच्छा। अब लगता है आया का काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। अरे नमस्ते। आप अंदर आइए ना। वो तीन चार दिन से आप कॉलेज नहीं आए ना? हाँ? तो मैंने सोचा शायद आपकी तबीयत। नहीं नहीं नहीं, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। दरअसल वो मुन्ना हुआ है ना। आपको मुन्ना हुआ है? नहीं नहीं नहीं, मेरी भाभी को मुन्ना हुआ है और मेरे भैया टूरिंग जॉब पे रहते हैं ना, इसलिए झाड़ू फट गया सब। हाँ। मुझे ही कर। चाचा, मेरी स्कूल की बस आ गई है, मैं जा रही हूँ। अरे सुन, अरे दूतू पीती जा। वो दूतू में चूल्हे पर रख के आ गया था, अभी आया। एक्सक्यूज मी। अरे ओह सारा दूध गिर गया। लगता है आज भी कॉलेज जाना नामुमकिन है। आप तैयार हो जाइए, ये मैं साफ कर देती हूँ, लाइए। आप पहली बार मेरे घर आई और मैंने आपको मुसीबत में डाल दिया। मुसीबत में तो आप डाल ही चुके हैं। खैर, चार दिन से गुड्डी की स्कूल बस नहीं आ रही थी, उसे भी छोड़ने जाना पड़ता था। अच्छा वो आज बस भी आ गई और आप भी। अब क्लास मिस नहीं होगी। चल पति, जल्दी कर। अरे बुआ, पाया लागू। जीते रहो। घर क्यों बंद है? भाभी अस्पताल में है ना, मुन्ना हुआ है। अच्छा? हाँ। जय बंसी वाले की।
चलो वंश चलाने वाला तो आ गया। हाँ, आ गया बेटा। हाँ? संग में इस बार रूपमती को लाई हूँ। अच्छा? गंगा से कह दियो घर की कोई चिंता न करे। हाँ? मेरी रूपमती सब संभाल लेगी। वाह तो ये रही चाबी। हाँ? ये कौन है रे? ये जी मैं पूनम हूँ। नमस्ते शरद। हाँ? जी के साथ ही पढ़ती हूँ कॉलेज में। चले शरद। चलो। अच्छा, अच्छा नमस्ते। लाखों में एक है शरद। मैंने तो दे था। अरे मनी ये गांव नहीं शहर है। शहर चल घूंघट उठा। अब अच्छा लगता है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन। शरद को जीतने के लिए ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजें बना के खिला कि पेट के रास्ते तू सीधे उसके दिल में घुस जाए। ठीक है मैं भी दाल भिगो देती हूँ। ऐसे दही बल्ले बनाऊंगी कि वो मेरी उंगलियां तुम लेंगे। मरी बेशरम बड़े उतावली हो रही है। ये बेफिक्र जिंदगी ये कॉलेज के हंगामे। हम फाइनल ईयर वालों के लिए तो चंद दिनों के साथ ही रह गए। वाकई सच बहुत याद आएंगे ये। हमें भी बहुत याद आएंगे रे। हमें भी बहुत याद आएंगे। अरे पितामह तुम्हें भला क्यों याद आएंगे? तुम तो अपने फर्स्ट ईयर में हमेशा एवरग्रीन रहोगे। अरे वही तो रोना है यार। आज ऑफिस के एक बाबू ने मुझे अंदर की न्यूज बताई। अंदर की खबर भी सुना रहा और बाबू की तरह ऐलान भी कर रहा है। आज तो बोल ना अंदर की बात क्या। लो अब साउंड गायब कर दिया। अबे सुनने लायक तो बोल। अगर मैं इस साल पास नहीं हुआ तो मुझे कॉलेज से निकाला जाएगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा मेरा लव मैरिज का सपना टूट जाएगा। अब मेरी बात गौर से सुन। क्या अब भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा है? मन लगा के पढ़ाई कर तेरा बेड़ा पार हो जाएगा समझा। ओ कैसे? तो एक काम कर। हाँ? रोज शाम को मेरे घर आ जा। हाँ? एक, बर्तन धोने के लिए। अबे बर्तन धोने के लिए नहीं पढ़ाई करने के लिए। देख तेरा अभी कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ? तू बड़ा होशियार है। हाँ? वो, 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 वो। नंदी बैल की तरह मुंडी मत हिला। आज शाम से मेरे घर आ। हाँ? समझा। और हाँ आजकल अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं मुझे। अगर मैं घर पर नहीं मिला तो आप भाग मचाइएगा बैठकर पढ़ाई कीजिएगा। वैसे घर पर बुआ रूपमती तो मिलेंगे। रूपमती क्या दही बड़े हैं? अच्छे लगे? कौन का दे? दही बल्ले अच्छे लगे? दही बड़े अच्छे? अच्छे अच्छे लगे अच्छे लगे। क्या बोल रही? तो फिर मिले तो अपने पेट से दिल में घुसने दो देना। घुसने? अरे भाग्यवान तू तो मेरे दिल में पहले से ही घुस गई है। चुच्ची मुच्ची मैं आई। ए भगवान ये क्या हो रहा है? दिल धड़क रहा है। रोंगटे खड़े हो रही है। ओ माय गॉड कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया भोंपू? लो पानी। नोना पानी पी लो। अले अब तो पी लो ना। पिला दो ना। भाभी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। मैं तो मुन्ना को देखने आई हूँ। सच? नन्हे मुन्ने बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर मी। कम। हाय कितना नन्ना सा प्यारा सा हाथ है। हाय कभी आप कभी ऐसे ही था। आज ऐसा नहीं कि गाल पर पड़े और छप जाए। मैं सोचती थी कि आप काफी समझदार हैं, बिना कहे ही सब समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप यही चाहते हैं कि मैं फिर से हाथ जोड़कर माफी मांगू तो यूं ही सही। अरे ले 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 ले। उठ गई भाभी बड़ी गहरी नींद सो रही थी। हाँ अच्छा गुटी की फीस और दूध वाले के पैसे मैंने दे दिए। और तुम्हारी बुआ तशरीफ ला चुकी है एक अदद कुरूपमती जी के साथ। और क्या? और ऐसा कुछ ऐसा खाका खास कुछ नहीं है।
फालतू बकबक किए जा रहा है। जो सामने खड़ी उसके बारे में कुछ नहीं कहेगा। ओह, ये पूनम जी है, मेरे कॉलेज में पढ़ती है। और इन्हें नन्हे मुन्ने बच्चों से बहुत प्यार है। नन्हे मुन्ने बच्चों से? अरे क्या भाभी, तुम मेरी खिंचाई कर रही हो। चलो पूनम, कॉलेज के लिए देरी हो रही है। भाभी, मैं कभी कभी मुन्ने को खिलाने आ जाया करूँ? कभी कभी क्यों, रोज चली आई करना। अच्छा शरद, हाँ? ये पूनम अपने मुन्ने के लिए कैसे रहेगी? हाँ? मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद है। तुम कहो तो तुम्हारे भैया से बातचीत चलाऊं? चलाओ चलाओ, चलूं? नमस्ते। नमस्ते। हाँ, चलाओ। शरद जी, एक जरूरी काम है। पहाड़ी वाली देवी जी के मंदिर में मुन्ना के होने का नारियल चढ़ाना है। हो सके तो ये काम कल ही कर देना। समझो, हो गया। और कोई आ गया? पूनम को भी दर्शन करा लाना, बड़ी सच्ची देवी है, जो मांगो फौरन मिल जाता है। समझो, मिल गया। और कुछ? धर। अच्छा, चलता हूँ। भाग गए। जय माता दी देवी जी। कितनी देर से खड़ी हूँ पता है? लो जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे मैं तो ठीक 10 बजे यहाँ पर पहुँच गया था, पूरे 15 मिनट यहाँ पर इंतजार किया। 15 मिनट्स, ये ना। बड़े खराब हो तुम। मैं खराब हूँ? तेरी खुद की डांट मुझे रही है। 15। घड़ी देखने आती है? आती है, पर देखूं कैसे? आंखों में तो मूरत बन के तुम बस गए हो। तो डांट कर भगा दो। डांटू किस मुँह से, होठों पर भी तो तुम्हारा ही नाम चिपका हुआ है। क्या हुआ? यही एक अपना था। कौन? दिल। फिर? अब ये भी अपना नहीं रहा, हर धड़कन पर तुमने कब्जा कर लिया है। यानी कि सारा का सारा कसूर मेरा है। फिर तो मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। तो मांगो ना माफी, फौरन इसी वक्त मांगो माफी। देख क्या रहे हो, मांगो। अरे ये क्या कर रहे हो? माफी मांगने के लिए सही माहौल भी तो होना चाहिए। पहली माफी इन आंखों से जिनमें हम जबरदस्ती फंस गए। दूसरी माफी इन होठों से जिन पे हमारा नाम चिपक गया है। और तीसरी माफी इस दिल से। Oh,
शोलों पे मैं चलूंगा, वफा के रंगों में रंग लूंगा। ऐ दिल 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 ऐ दिल। जादू कर दिया तुमने मुन्ने पे? हमको जादू वादू करना नहीं आता, हमको तो बस हंसना आता है। हंसो हंसो मुन्ना हंसो। चलो शहजादे, तुम्हारे दूध का वक्त हो गया है। ओ दूध का वक्त, ये तो पहचान ही नहीं रहा है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, इसे नीचे लेकर आना। बेशरम बेहया है मरी। आप किसे कोस रही हो बुआ? वही चुड़ैल पुन्नो, तेरे पलंग पर ऐसे पसरी पड़ी है जैसे उसके बाप का घर है। बुआ कुछ तो सोच समझ के बात किया करो, कितनी अच्छी लड़की है पूनम, कितना मान देती है हम सबको, और मुन्ने में तो जैसे उसकी जान बसती है। सब छल छिंदर है, अपना उल्लू सीधा करने का दिखावा है। जे बाल कोई धूप में सफेद नहीं किए हैं, किसकी क्या मनसा है सब समझ में आता है। लेकिन तू भी एक बात सुन ले,
दूसरे से ब्याह होगा तो मेरी रूपा का ही। अरे मेरी एक ही औलाद है, वो सुखी रहेगी तो मेरा बुढ़ापा भी सुख से कट जाएगा। अरे इसी उम्मीद से तो साल भर से यही पड़ी हूँ। भाभी चाय तैयार है, लेकर आ रही हूँ। चाय पिला रही है, जहर पिला दे उसे। चाय पिलाने वाली आई। हाय हाय क्या गेटअप है। अरे रूपमती शरद को चाय दे दी। ये क्या बदतमीजी, चाय किसने मांगी थी? थोड़ी थोड़ी की बच्ची, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। मेले को दे दो, नींबू लदर का, इसको मैं ठीक कर दूंगी। जी नहीं, मुझे नींबू नहीं रगड़वाना। नींबू रगड़ेगी क्या लगे उसे, अदरक क्या जाने नींबू का स्वाद। तेरे पास कितने नींबू हैं, यहाँ रगड़ दे। चाची कितनी अच्छी। अंकल सर। अरे भैया आपके बहुत दिन लगा दिए। जब भी वापसी की तैयारी करता था नए इंस्ट्रक्शंस मिल जाते थे। नमस्ते पूनम। ए कौन है, क्या हुआ? कितनी विचित्र बात है, इस घर की हर सूरत, हर दिल, हर चीज पर जिस लड़की का नाम लिखा जा चुका है उसे आज मैं पहली बार मिल रहा हूं। वैसे गंगा जितना सुना था पूनम से उसे कहीं बढ़कर पाया है। भैया आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, भाभी से और शरद से आपकी इतनी तारीफें सुनी थी कि मिलने की उत्सुकता तो बढ़ती ही जाती थी। और मिलने के बाद निराशा हुई होगी, सोचती होगी कहां शरद, कहां उसका ये बड़ा भाई। आप भी भैया। ये है मुन्ने के लिए, संभालो मुन्ने की माँ। अरे गुड्डी कहाँ है? पापा। अरे गुड, वेरी गुड, ये लो। पहले गुड। थैंक यू पापा। और ये साड़ी हमारी गंगा के लिए, लो। पहले धर दे दो। ये रख लो तुम, तुम पे रंग बहुत खिलेगा पूनम। ये बहन है कि दुश्मन, मेरी रूपमती बेचारी मुंह ताकती रह गई और साड़ी दे दी इस मुई को। चल ठहलू ना माँ। अरे चल ना। बुआ की बात का बुरा नहीं मानना, वो कब क्या कह जाती उन्हें खुद होश नहीं रहता। बुआ की बात मुझे बुरी नहीं लगी भाभी, मेरा मन तो इसलिए भराया कि जीवन में पहली बार किसी ने मुझे तोहफा दिया है। अरे पगली, हम तुम्हें क्या तोहफा दे सकते हैं, तुम तो खुद ही इस घर के लिए खूबसूरत तोहफा हो। पता नहीं क्यों देर कर दी पूनम ने आज ट्यूशन से लौटने में। अरे दादू तुम बाहर क्यों खड़े हो? मैं तेरी राह देख रहा था बेटा। क्या बताऊं दादू, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं मैं। मुसीबत क्या हुआ बेटा? कल एग्जामिनेशन फी भरने की आखिरी तारीख है, इसीलिए मैंने गुप्ता जी से एडवांस में पैसे लिए। जब तक मैं रिक्शा पकड़ू किसी ने मेरा पर्स मार लिया। कितने पैसे थे बेटा? 1200 दादू। ये साल तो अपना बेकार गया, अब ना कहीं से पैसे मिलेंगे और ना ही फीस भर पाऊंगी। ऐसा क्यों बोलती है, तेरा चाचा मर गया है क्या? मैं कितना भी बुरा आदमी हूं मगर तेरा चाचा हूं और रहूंगा। तू कल मेरे साथ चल, मैं पैसे दिलवा दूंगा। किससे? किससे? अरे शहर के टॉप के लोगों के साथ बैठना उठना है मेरा। सेठ रंगराज का नाम सुना है? अपना खास यार है। उस नीच के पास ले जाओगे तुम मुझे? जानते हो उसने क्या किया था मेरे साथ? उसने कुछ नहीं किया था, तूने बदतमीजी की थी। क्या? फिर भी मेरी वजह से तुझे मान देता है, तुझसे शादी करना चाहता है। रखो।
खबरदार जो अपनी गंदी जबान से आइंदा पूनम का नाम तक लिया। बेटी तेरा बूढ़ा दादा अभी जिंदा है, तेरी फीस जमा होगी और तू इम्तिहान में भी बैठेगी। चल ऐसी 400 बीसी से फसाया तेरे बुढ़े को, अब सड़ने दो सारे को जेल में। अब तक मेरा बाप ही आपके रास्ते का कांटा था, आज निकल गया, अब आपकी सारी आरज़ूएं पूरी हो जाएगी, ये मेरा वादा है। फीस के लिए हाथ फैला रहा था, हमने पहना दी हथकड़ियां। बहुत प्यार करता था तेरा बूढ़ा अपनी पोती से, और पुलिस को बयान देते तेरे को मालूम है उसने क्या कहा? उन्नो अकेली है, और इसलिए उसे छोड़ दिया जाए, नहीं तो उसकी पोती का साल खराब हो जाएगा। साल खराब तो बहुत छोटी बात है, अभी तो उसकी लाइफ खराब करनी है। कीचड़ से उसकी मांग भर के। किधर है वो? अबे किधर है वो? सेठ, लेकिन थोड़ा रुको, अभी आसपास के लोग जाग रहे हैं, तब तक ये बोतल खत्म करते हैं। क्या कहते हो? चेस चेस चेस। भाग गई साली। अरे भाग के जाएगी कहाँ, चलो मेरे साथ। कर गाड़ी में डाल सकते।
मास्टर, होश में तो हो? मालूम है किसको गिरफ्तार कर रहे हो? उसे जो शराब के नशे में धुत होकर फुटपाथ पर सोए लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल आया है और अबे हमारा हमारी कर रहा है। होल्डर, ले चलो दोनों को भी। चलो चलो गाड़ी में। शरद, तुमने मुझे बचा तो लिया मगर मैं बिल्कुल अकेली जीवन के चौराहे पर खड़ी हूं। कहां जाना है, किधर जाना है, नहीं जानती। पूनम, इसमें रोने की क्या बात है? मैं खुद रिश्ते की बात करने तुम्हारे दादाजी के पास आने वाला था। अब हालात ऐसे हो गए हैं तो कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। रास्ता एक ही है जी, लक्ष्मी खुद चलकर अपने घर आई है, इसीलिए शरद और पूनम की शादी आज ही होगी रातों रात। सुखी रहो मेरे बच्चों, सुखी रहो। अनाथ गरीब बच्चे को सहारा देकर जो आपने इस बूढ़े पर एहसान किया है वो नहीं। दादाजी, एहसान तो भगवान ने हम पर किया है जो घर बैठे पूनम जैसा रतन हमें दे दिया। आप निश्चिंत हो जाइए, इसकी पढ़ाई का साल भी जाया नहीं होगा और आपके केस के बारे में मैं अपने वकील से बात करूंगा। परमात्मा आप सबको सुखी रखे। चलता हूं। अच्छा दादाजी, चलो बना। अरे चल नाथ बेटी, अब क्या रह गया यहाँ? यही तो सब कुछ है माँ, वो जो मेरे दिल में था। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। अरे तुम जैसे दगाबाजों के लिए मेरे पास आशीर्वाद नहीं, श्राप है श्राप। लो झेलो इन्हें। जैसे तूने मेरी रूपमती को नौ नौ आंसू रुलाया है, तू भी जिंदगी भर कलपती रहेगी, कलपती रहेगी, समझी? हो गया। चल रही गंगा, बात क्या है? जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो वापस आ जाना। हाँ वैसे हर महीने मनी ऑर्डर पहुंचता रहेगा। क्या मनी ऑर्डर वार्डर करती है, आजकल 200 में होता ही क्या है? जरा महंगाई का ख्याल करके भेजना। चल माँ। ओफो, आओ पूनम मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। सुबह से पहली बढ़िया बात की है तुमने। अच्छा तो बाकी सब बेकार था? ये मैं कैसे कह सकता हूँ। भाभी जी आप रहने दीजिए ना, मैं कॉफी बना के लाती हूँ। चलो चलो। ओ ओ ओ, तुम कहाँ चले? वो चम्मच चलाने के लिए। देखो तुम दोनों, मैं तुम लोगों से बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ, आओ मेरे साथ। आओ आप भी आइए ना, गुड्डी ऊपर जाओ। चलो। हाँ। देखो शरद, हाँ। तुम्हारे भैया ने ये फैसला किया था, हाँ। जब तक तुम्हारी पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती, हाँ। ये शादी नहीं हो सकती, हाँ। लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए थे, हाँ। कि तुम दोनों की शादी करनी पड़ी, हाँ। अब तुम दोनों की शादी तो हो ही गई है, हाँ। जब तक तुम दोनों के इम्तिहान खत्म नहीं हो जाते, यूं समझो ये शादी हुई नहीं। ऐसे रहना होगा जैसे किसी गुरुकुल में रह रहे हो, गृहस्थ आश्रम में नहीं। समझ गए? या लिख के समझाना होगा? समझ गया। फिलहाल ये मेरे कमरे में सोएगी। ऐसा? और मैं? तुम अपने कमरे में। गुड अरेंजमेंट ना? वेरी गुड, वेरी गुड। कौन? कौन है तू?
पानी पीने आया था। पानी तो तेरे कमरे में रखवा दिया था। मुझे कहीं नजर नहीं आया, अब जाके देखता हूँ। प्यास लगी है बच्चू को। शरद, पानी चाहिए? नहीं। पूनम, एक कप कॉफी और बढ़िया हो जाए। जी भैया, अभी लाती हूँ। शरद, ये हर्षद मेहता स्कैम में बहुत सारे नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ये न्यूज पढ़ी तुमने? अरे ये कहाँ गया? शेयर खरीदने। छोड़ो भी, कोई आ जाएगा तो। हर कोई नहीं आएगा यार। छोड़ो ना, मेरे कॉफी का पानी खोल रहा है। अरे यार, मैं खोल रहा हूँ। शरद प्लीज, भाभी ने देख लिया तो? भाभी ने देख लिया तो क्या होगा, आने दो उनको, मैं डरता हूँ क्या उनसे, कोई चोरी की है मैंने? एक बार काटू काटू करने दो। शरद लोग किचन में भी चांस नहीं मिलता यार। कॉफी बनाने में काफी देर लग गई। थक गई होगी तो मैं बना दूं कॉफी। नहीं भाभी, बन गई कॉफी। ये तुम्हारे गाल पे क्या हुआ? गाल? हाँ हाँ हाँ, अभी अभी एक मच्छर ने मुझे काट लिया था। मच्छर? हाँ। ये तो बहुत बड़ा मच्छर है। हाँ, बहुत बहुत बड़ा था। अब तो रात को तुम्हें मच्छरदानी में ही सुलाना पड़ेगा, नहीं तो ये बदमाश मच्छर तुम्हें लहू लुहान कर देगा। हो सकता है। कॉफी? हाँ। कैसे ठाट है प्यारे? काय के ठाट वाट यार, मैं तो पहले ही ठीक था, जब से शादी हुई है मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। न पढ़ने में दिल लगता है, न रात को नींद आती है। तो क्या तू शादी के इम्तिहान में फेल हो गया? अरे भाभी ने इम्तिहान में बैठने ही नहीं दिया यार। क्यों? कहती है जब तक इम्तिहान ना हो जाए तब तक ब्रह्मचारी बने रहो। तो ठीक है, हनुमान जी का नाम लेके दंड बेलो। सारी दुनिया को आइडिया सुनाएगा क्या? अच्छा, तू नॉर्मल बात नहीं कर सकता? कोशिश करता हूँ। कर। देख। दिखा। मेरा एक रूम पार्टनर है, वो दिन में बाहर जावे हैं। जावे तो रूम खाली रहे हैं। रहे। तुम एक काम करना। करूंगा। तुम कल चले आना। आ गया। और पूनम भाभी को कह देना कि शॉपिंग के बहाने वहाँ पहुँच जाए। वो भी पहुँच जाएगी। अरे सुहाग रात ही ना सही, सुहाग दिन ही सही। ओ, क्या आइडिया है भाई, कल सुहाग दिन हो जाए। काश मैं साफ होता। इंद्रलोक की अप्सरा है, तेरे सुहाग दिन को यादगार बना देंगी। पूनम अभी तक नहीं आएगी। आ जाएगी यार, तू तो तैयार है ना? बड़ी देर लगा दी पूनम भाभी ने, अभी तक नहीं आई। और वो बेचारा अंदर सुके जा रही है बांबू की तरह। आ गई भाभी। भाभी नमस्ते। पूनम भाभी, कितना पैसा हो गया? 5 रुपए 50 पैसे। 5 रुपए? भाभी, आप ये आ क्या लगा रखा है? शॉपिंग के लिए गई थी, प्यास से गला चटकने लगा, सोचा चलो पानी पी लूं। भाभी पा पा पा, कभी पा पा पा, कभी आ आ आ, तुझे हो क्या गया है? पानी नहीं है, गड़ा खाली हो गया, 3 दिन से मैंने भी पानी नहीं पिया। ये लो भाभी। पूनम, तू? हाँ भाभी, मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी ना, तो प्यास के मारे गला चटकने लगा, सोचा चंपक भाई के यहाँ से पानी पीती जाओ। इसका तो घड़ा खाली है। मेरा घड़ा? मेरा अब खाली है। चल मैं तुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाती हूँ। चल चल चल,
चल। आ गई पूनम। इलू 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 इलू। ये इलू इलू क्या है? इलू का मतलब आई एल यू, हाँ आई लव यू। ये बिलू बिलू है? ये बिलू बिलू। ये बिलू बिलू क्या है? ये बिलू बिलू, बिलू का मतलब बी एल यू, बी माने भाभी, एल माने ले गई, यू माने उसको। शरद शरद। अरे भंपू ऐसा हरगिज नहीं, आज तो घर की छत पर खड़े होकर पुकार पुकार के कहूंगा, लोगो सुनो, आज मेरा यार शरद कॉलेज में फर्स्ट आया है, मुबारक हो भैया। और पूनम? पूनम भी पास हो गई। शरद शरद तू फर्स्ट आया, मुबारक हो, भगवान तुम्हें जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाबी दे। गंगा पूनम भी पास हो गई है, शरद फर्स्ट क्लास आया है। भाभी ये सब तुम्हारे आशीर्वाद का प्रताप है। नहीं रे, ये सब पूनम के भाग्य का कमाल है, लक्ष्मी है लक्ष्मी। बेशक गंगा, हालात ऐसे बन गए थे कि हमें इन दोनों की शादी झटपट करनी पड़ी, लेकिन अब तुम ऐसी ढोलक बजाओ, इतनी मिठाइयां बांटो कि दुनिया वालों को पता चले कि हमारे घर में लक्ष्मी आई।
तुमसे झुकी जा रही है, बड़ा बदमाश हो गया है, हर काम पूनम से ही करवाता है। चुप हो जा, आजा। मम्मी बात बात पे डांट देती है अपने मुन्ने को, मम्मी से कट्टी। नहीं नहीं रोते नहीं रोते, अब हंस के दिखाओ। हाँ हंस दिया। बदमाश कहीं का, अभी ये रो रहा था और अभी हंस रहा है, ये जरूर एक्टर बनेगा। अरे क्या हुआ तेरे इंटरव्यू का? इंपीरियल फार्मास्यूटिकल्स सुपरवाइजिंग केमिस्ट। अरे वाह, लगता हम दोनों भाइयों ने पिछले जन्म में दवाइयां दान की थी, इस जन्म में दोनों के दोनों दवाइयों की कंपनी में। गंगा जी, हमारे शरद को बहुत अच्छी नौकरी मिली है, 6,000 रुपए महीने की। हाँ? मुबारक हो पूनम। भैया ये बस आपका और भाभी का प्रताप है। देखा, मैं ना कहती थी, हमारा शरद इस घर को खुशियों से भर देगा। हमारी बड़ी कोठी होगी, गाड़ियां होंगी, VCR होंगे, वॉशिंग मशीन होंगी इस घर में, वो बस, सारी बस, बस, तुम्हारी इतनी लंबी लिस्ट देखकर कहीं ये घबरा ना जाए। क्यों, ये क्यों घबराने लगा? शरद कब से ज्वाइन कर रहे हो? भाभी मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकते बताओ ना, ये नौकरी क्यों नहीं कर सकते? अरे भाभी वो कंपनी बहुत दूर है और वो कंपनी वाले स्टाफ को वहीं पर फ्लैट दे रहे हैं। लेकिन लेकिन क्या, ये भी कोई अटकने की बात है? बिल्कुल, रोज इतनी दूर का आना जाना नहीं हो सकता। अरे रोज का आना जाना कैसा, बताया तो है इसने कि कंपनी वाले इसे रहने के लिए वहीं फ्लैट दे रहे हैं। क्या कह रहे हो, शरद के हमसे अलग रहेगा? तुम लोग खामखा राई का पहाड़ बना रहे हो। आज के जमाने में जब छोटी सी नौकरी के लिए लोग एड़ियां घिसते रह जाते हैं, तुम लोग इतनी छोटी सी बात के लिए बहस किए जा रहे हो? शरद तुम कल ही इस नौकरी को ज्वाइन करोगे और इस कंपनी का फ्लैट भी लोगे। भगवान तुम दोनों को हमेशा सुखी रखे, कभी कोई दुख देखना नसीब ना हो। पूनम जाते हुए इसके हथेले चूम लेना, नहीं तो तुझे याद करके बहुत रोएगा ये। शरद सदा सुखी रखे।
अपना ख्याल रखना शरद, और पूनम को हमेशा खुश रखना। चल। तुम्हारी आवाज बहुत ढीली ढीली सी सुनाई दे रही है, तबीयत तो ठीक है ना? भाभी वही हर महीने की प्रॉब्लम, इस बार दर्द कुछ ज्यादा ही हो रहा है। कब से कह रही हूँ दिखाने को मगर सुनती नहीं। मैं अभी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेती हूँ, एक बार पूरा चेकअप हो जाए तभी तसल्ली होगी। और अब की बार नहीं सुनी ना तो मैं बात नहीं करूंगी। अच्छा मिस्टर शरद, तमाम चेकअप्स की रिपोर्ट से ही पता चलता है कि इनकी फ्लिपिन ट्यूब्स बिल्कुल खराब हो चुकी है, जो अब ऑपरेशन के भी काबिल नहीं और ओवुलेशन भी नहीं होता। ओवुलेशन कहते हैं हर महीने ओवरी से पैदा होने वाले उन छोटे छोटे अंडों को जिनसे औरत गर्भवती होती है, और इन्हें वो भी नहीं होता। दैट्स व्हाई आई एम सॉरी टू से आपकी वाइफ कभी मां नहीं बन सकती। बोलो, प्लीज बस करो, बस करो। ये मेरे किस पाप की सजा भगवान ने मुझे दी है? जो औरत मां ही ना बन सके उसका जीवन किस काम का? पूनम प्लीज। पूनम दिल छोटा ना करो, भगवान पे भरोसा रखो। भाभी चुप हो जाओ। पूनम
देखो पूनम, जो हुआ अच्छा ही हुआ। हाँ? अगर बच्चा हो जाता तो मेरी कदर तो खत्म हो जाती ना। हाँ, और फिर भैया के बच्चे भी तो हमारे ही बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनकी शादी ब्याह कराएंगे, और फिर इसी तरह हंसते खेलते वक्त कट जाएगा, है ना? I'm sorry to say, आपकी वाइफ कभी मां नहीं बन सकती। जो औरत मां ही ना बन सके उसका जीवन किस काम का। गंगा बहू, यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? मुन्ना कहाँ है? ऊपर गुड्डी के पास है, बैठो ना काकी। मैं तो ये याद दिलाने आई थी कि कल आहोई अष्टमी का व्रत है और ये व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए होता है। याद है काकी, तुम्ही ने तो कहा था दिवाली को अमावस होती है और उससे ठीक 8 दिन पहले आहोई अष्टमी होती है। और तुम्हारी मुन्ने की तो पहली आहोई है, मदन तो आ रहा है ना? हाँ। अच्छा तो मैं चलती हूँ। नमस्ते, जीती रहो, भगवान करे मुन्ने की हजारी उम्र होवे, वंश बढ़ाए फले फूले। अरे भाभी, अचानक इस वक्त अपने घर आने का वक्त देखा जाता है। पूनम कहाँ है? अंदर ही है, जब से अस्पताल से आई है कुछ खोई खोई सी रहती है। भाभी, तुम इस वक्त लो, तुम दोनों मियां बीवी को वक्त की चिंता खाए जा रही है। ऐसी बात नहीं है भाभी, तुम इस तरह अकेली रात गए कभी आई नहीं ना, इसीलिए। क्या करूं, आना जरूरी था। सब ठीक तो है ना भाभी? सब ठीक है, आगे भी ठीक होगा। दरअसल अभी थोड़ी देर पहले पड़ोस वाली काकी आई थी, कहने लगी कल आहुई अष्टमी है, तो मैंने सोचा पूनम को व्रत के बारे में सब कुछ समझा दूं। मुझे समझाने से क्या फायदा भाभी, मुझे कौन सा व्रत रखना है, ना आज ना कल। पूनम, भाभी मैं वो पत्थर हूं जिसे तराशकर भगवान ने औरत की मूरत तो गढ़ दी लेकिन पूरी औरत नहीं बनाया। ये बोझ ढोना बड़ा भारी लगता है भाभी। अगर भगवान की कृपा हो तो पत्थर में भी प्राण पड़ जाते हैं, जैसे राम जी के छूते ही अहिल्या में पड़ गए थे। ये लो पूनम, ले। अरे ऐसे क्या देख रही है, ले संभाल अपने बेटे को। बेटा मुझे नहीं रे, मैंने तो तेरा ही बेटा तुझे दिया है और मुन्ना तो शुरू से ही तेरा है, तेरा ही रहेगा। अच्छा सुन, खबरदार जो कभी अपने आप को पत्थर वत्थर कह के कोसा, तू एक संपूर्ण औरत है और एक बेटे की मां जो तेरा वंश बढ़ाएगा। हाँ, भगवान तुम दोनों को सुखी रखे, मेरा तुम दोनों के लिए यही आशीर्वाद है। महानता और त्याग की जीती जागती मिसाल देख ली आज हमारे अंधेरे संसार में। एक
जोत जला कर चली गई भाभी। अरे गंगा गुड्डी। पापा आ गए। पूजा की तैयारी हो रही है। आप हमारे लिए क्या लाए पापा? अरे भाई आपके लिए हम ये लाए हैं। ये तो बहुत अच्छा है। गुड हैप्पी। ये मुन्ना का और ये आपके लिए। बहुत अच्छा किया तुमने, सही वक्त पर आ गए। अरे कैसे नहीं आता, तुम्हारा हुक्म था कि आहोई अष्टमी की पूजा से पहले। क्या हमेशा तुम्हारा हुक्म करते रहते हो? अरे भाई हम तो एक बात जानते हैं, बड़े बुजुर्गों ने कहा है जो बीवी का कहा मानता है सदा सुखी रहता है। पूजा में लेट ना हो जाऊं इसलिए सीधा यहाँ चलाया, वरना वादे के मुताबिक मुझे शर्त क्या होना चाहिए था। अभी झटपट नहा लीजिए। वेरी गुड, अभी आया। अरे ये कहाँ है? मुन्ना वो अपनी माँ के पास है। माँ? पूनम के पास है, सोचा उसका मन लगा रहेगा। हाँ ये तो अच्छा किया, पर भगवान की कृपा से चार दिन में पूनम के अपने भी तो बच्चे होंगे। ये नहीं हो सकता, डॉक्टरों का कहना है पूनम कभी माँ नहीं बन सकती। क्या? जब ये बात मुझे पता चली मेरा मन बेचैन हो उठा। पूनम के आंसू से भरा हुआ चेहरा मेरी नजरों से हटता ही नहीं था। तब जैसे मेरे मन के अंधेरे में एक ज्योत सी जगमगाई, जैसे किसी ने कहा हो जा गंगा मुन्ने को पूनम की गोद में डाला, और मैं डाल आई। तुम रो रहे हो मुन्ने के लिए? ये आंसू नहीं गंगा, मेरा अभिमान है, मेरा संतोष है तुम जैसे जीवन साथी पाने का। ये तो जानता था कि तुम गंगा हो, लेकिन उसकी गहराई उसकी विशालता उसका विस्तार इतना भी हो सकता है ये बात आज ही जानी। गंगा तुमने अपना नाम सार्थक कर दिया। गंगा चलिए पूजा का समय हो रहा है, आइए। गुड्डी वर्मा, सूरज। चिरंजीव सूरज कुमार वर्मा। प्रसाद। ओ हाँ प्रसाद खाओगे? शाबाश। चंपक भैया ने कहा था कि मुन्ने की पहली पूजा में जरूर आएंगे, न जाने कहाँ रुक गए। बेचारा फंस गया होगा। मुझे छोड़ के गाँव चली आई क्या? पीछा नहीं छोड़ूंगा उसका। हे भगवान, पहले झूठे हो तुम, ते देते हो पलाते नहीं। ये क्या रोना धोना लगा रखा है? अरे किसे बात कर रही है तू? मेरा भगवान ते छिवा ऑल है ही टोन। लो आ गए। शरद के चक्कर में पागल हो गई है। तेरी चौखट पे हम तो मर जाएंगे।
सकते हम तो मर जाएंगे। पापा को बोलो हेलो पापा। हाँ पूनम। पूनम दादू दादू दादू। पूनम कैसी है बेटा तू? अच्छी हूँ दादू। हाँ? आप कैसे हैं? ठीक हूँ ठीक। तेरे को तो मैं बहुत लाड़ कर चुका, अब तो मैं उसे लाड़ करूंगा जिसने मुझे परनाना बनाया है। मुन्ना बच्चे जी बेटे बेटे तुझे तुझे देने के लिए मेरे पास आशीर्वाद के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सबसे अनमोल चीज लिए बैठे हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं है मेरे पास। पूनम दादाजी आज से हमारे साथ रहेंगे। लेकिन बेटे बेटी के घर रहना तो। अरे बेटी क्या ना सही, मगर इस बेटी के पास तो रह सकते हैं। हे प्रभु, इस पापी को उसके किस पुण्य के बदले इतना सुख दिखा रहा है तू?
तेरी बुआ थोड़ी हूँ, मैं तो तेरी नानी हूँ। नानी कमरे में रख क्या। नमस्ते बुआ, कैसी हो? रूपमती का क्या हाल है? जिसके कर्म ही फूट गए हो उसकी पूछताछ क्या करती हो? जब देखो तब रोना। कितने ही अच्छे अच्छे लड़के ढूंढे मगर उसके दिल में शरद ऐसे समा गया है कि किसी और से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं। मेरी रूपमती की खुशियों पर उस चुड़ैल ने ऐसा डाका डाला है कि भगवान भी उसे माफ नहीं करेगा। ओफो बुआ, घर में कदम रखा है नहीं फिर वही बातें शुरू हो गई। हाँ, जिसके दिल में आग लगी है वही बोलता है। आज पूनम की जगह मेरी रूपमती होती तो तुझे पलकों से नीचे नहीं उतरने देती, पांव धो धो कर पीती तेरे। बुआ, 5 साल हो गए उस बात को, तुम जब देखो वही राग अलापती रहती हो, जिसमें बच्चों की खुशी उसमें बड़ों की खुशी। शरद और पूनम अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हैं। देख गंगा, और जो चाहे कह, मगर मेरे मुन्ने को उस मरी के औलाद मत कहा कर, वो मुन्ने की मां नहीं बन सकती। बस बस, अगर ऐसी बातें करनी है तो चली जाओ यहां से। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार में कोई जहर घोले। याद रख, शरद को छीन ले गई, मुन्ने को भी छीन ले गई। जब हाथ पांव थकेंगे तुम लोगों के, तब देखूंगी कौन कितने काम आता है। ओफो। प्रमोशन ऑर्डर्स। हाँ प्रणाम भाभी, सबसे पहले खुशखबरी आप ही को दे रहा हूँ, मेरा प्रमोशन हो गया है। एक ही झटके में 3 गुना तनख्वाह भी बढ़ गई है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मेरा सपना पूरा हो गया। अभी तुझे और बहुत बहुत तरक्की करनी है। और क्या, तेरी भाभी की तो ठाट होंगे ठाट। नौकर चाकरों से भरे हुए बंगले में सारे नौकरों पे हुक्म चलाऊंगी। बस भाभी, ये आपके और भैया के चरणों का प्रताप है। भैया है? ऊपर है, अभी बुलाती हूँ। हेलो शरद, ये आपके लिए। भाभी आपके लिए साड़ी और गुड्डी के लिए सलवार सूट, बड़ी हो गई है ना। अरे शरद, इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? अरे वाह, ये नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बड़ों का फर्ज होता है उनका ख्याल रखना, और जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनका फर्ज होता है बड़ों का ख्याल रखना। 4 चिथड़े उठा लाने को फर्ज पूरा करना कहते हैं क्या? बुआ नहीं दिखाऊंगा मुन्ना, नहीं दिखाऊंगा मुन्ना, नहीं दिखाऊंगा मुन्ना। गुड्डी क्या हो रहा है? देखो ना माँ, मुन्ना आपने वीडियो गेम दिखाता भी नहीं। मैं दिखता हूँ, एक मिनट एक मिनट। मुन्ने ने वीडियो गेम लिया है। जब हम तुम्हारे घर आएंगे हमें खिलाओगे ना ये गेम? हाँ, जब घर आओगे तब।
बहुत पैसे का है ना, इसलिए मम्मी ने छूने को मना कर रखा है। अच्छा, कितने पैसे का है? 400? नो, 1000। 4000? चार हजार रुपए? पूनम, क्यों पैसे बिगाड़ती रहती हो? भाभी मैं क्या करूं? देखो पूनम, मैं तुमसे कह देती हूं, लगा है ये। देख लिया गंगा, कैसा मैल है मन में? गुड्डी के लिए 150 का सूट और मुन्ने के लिए? बुआ जी, आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे घर के मामले में दखल अंदाजी मत किया कीजिए। अरे गंगा जी, कॉफी का क्या हुआ? अभी लाती हूँ। अरे हाँ शरद, एक बात याद आई। जी भाभी। मैंने मन्नत मानी थी, जब तुम्हारी प्रमोशन हो जाएगी रघुनाथ जी के मंदिर के आंगन को संगे मरमर का बना दूंगी। कल परसों 10-15 हजार भिजवा देना, जल्दी से काम शुरू करवाना है। 10-15 हजार रुपए, वो भी मंदिर के फर्श के लिए? अरे भाभी, ये तो पैसा वेस्ट करना हुआ। अरे भाभी, अगर पैसा हो तो जरूरी कामों पे लगाओ, जैसे बच्चों की एजुकेशन, उनका फ्यूचर। हाँ भैया, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? हाँ? हाँ? नहीं नहीं नहीं, नहीं। शरद मेरा बेटा है, पूनम लाखों में एक है, देखना घर का सारा दलिद्र मिटा देगा मेरा शरद। अरे आज के वक्त में जब पेट की औलाद अपनी नहीं होती तो ये तो गैर ही ठहरे। मुन्ने के खिलौने पर 4000 उड़ा सकते हैं, लेकिन माँ समान भाभी की जुबान की, उसके मान की इन्हें जरा भी परवाह नहीं है। अब क्या मुंह लेकर जाएगी मंदिर में? अब और ज्यादा दिमाग खराब मत करो बुआ। ये तूने अच्छा किया शरद, तेरी प्रमोशन भी हुई है, मुन्ने का जन्मदिन भी है, इसी बहाने लोगों को एंटरटेन करने का मौका मिल जाएगा। हाँ भैया। लेकिन भैया, आप लोग सुबह सुबह ही आ जाइएगा। लेकिन गुड्डी के स्कूल से आ जाने के बाद ही हम आ पाएंगे। हाँ वो भी सही। ओ अच्छा, लो। दूध जल गया था क्या? जी। तुम्हारी रसोई में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, आइंदा ख्याल रखना। जी। हैप्पी बर्थडे टू जी, लेडीज जी एंड जेंटलमैन जी, इस शुभ अवसर पर हमारी भाभी जी यानी कि मिसेज शरद जी एक हिट गाना सुनाएंगे। शुरू कीजिए। क्या बात कर रहे हैं चंपक भैया, मैं और गाना? क्यों झूठ बोल रहे हो भाभी जी, इस गाने के सिलसिले में तो हमारे दोस्त को फंसाया आपने। त्रिवेणी जी शुरू हो जाइए, भाव मत खाइए, बहुत सारे मेहमान हैं, कचरा हो जाएगा।
चलिए जी। अरे भाभी, तुम तो गैरों की तरह बात कर रही हो। अभी तुमने अंदर से बंगला भी नहीं देखा है। बाहर की रौनक देखकर अंदाजा हो गया है कि भीतर जो होगा पैसे का सही उपयोग हुआ होगा, वेस्टेज नहीं। आप चलिए, बाहर गुड्डी और बुआ इंतजार कर रहे हैं। शरद, अभी अभी तुम्हारी भाभी ने जो कुछ कहा तुम्हें बुरा लगा ना, मुझे भी। लेकिन भैया, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, जीत आखिर विवेक की होती है। भैया, जब तक आपके प्यार का कवच है, अविवेक की तो धूल भी मुझे छू नहीं सकती। मैं जानता हूं। अरे हाँ, कल मैं टूर पे जा रहा हूं, इस बार काफी दिन लग जाएंगे। भैया, दिवाली तक तो लौट आएंगे ना? अरे 100% चलता हूं। अच्छा भैया, प्रणाम। मम्मी, इतनी सफाइयां क्यों हो रही है? दिवाली आ रही है, तब तो बड़ा मजा आएगा। पापा कब आएंगे? कहा तो था दिवाली पे आ जाएंगे। तेरे पापा तो हुए ना हुए बराबर। बुआ, कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। अरे मेरा मतलब ये था कि वो बेचारा यहाँ हुआ तो भी क्या, जेब तो उसकी खाली रहती है, क्या करे। अपनी जरूरतों का गला घोटकर भाई को पढ़ाया लिखाया, चार पैसे भी पीछे न पटक सका।
रहो। मम्मी ये बताओ मुझे दिवाली में क्या दिलाओगी? क्या चाहिए तुझे? वीडियो गेम। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मुन्ना के पास हो सकता है, मेरे पास नहीं। अब दे जवाब, दे। बोलो ना मम्मी, बोलो ना। गुड्डी अब तो बच्ची नहीं है। हाँ हाँ बच्चा तो एक वही है इस घर में, मुन्ना। चाचा चाची पापा जिसे देखो उसी की चमचागिरी करते रहते हैं। गुड्डी बहुत बोलने लग गई है, सबान काट के फेंक दूंगी। क्यों ढूंढ रही है बच्ची को? अब वो भी तो समझदार हो गई है। देखती है घर में एक बच्चा ऐश कर रहा है, दूसरा एक एक चीज को तरस रहा है, तुझी में तो लगती है ना। तो मैं क्या करूं बुआ, कहां से इसकी फरमाइशें पूरी करूं? अगर पूनम अपने मुन्ने के लिए चीजें लेकर आती है उसे मैं मना तो नहीं कर सकती। यही तो बात है, भोलेपन में तूने अपनी औलाद उठाकर उसे दे दी और उसी को मोहरा बनाकर वो चुड़ैल नित नए नाटक खिलवा रही है। चाहती है कि शरद हमेशा के लिए अपने भाई से मुंह मोड़ ले और वो कसम पर राज करे। नहीं शरद, मैंने सोना चांदी तो नहीं मांगा था, मैंने तो सिर्फ मंदिर में पत्थर लगाने के लिए कहा था। तूने साफ इनकार कर दिया, क्या मैं तेरी कुछ भी नहीं रही? मम्मी मम्मी आइसक्रीम खिलाओ ना। हाँ। अरे लुट गए भैया, पागल हो गए शॉपिंग करते करते। अब सारी शॉपिंग हो गई या कुछ बाकी है? सब हो गई, थैंक यू सर। अरे सुनो, तुमने गुड्डी के लिए कुछ नहीं खरीदा? अरे ये सेट तो उसी के लिए है। हाँ बेटियों को जवान होते हुए देर नहीं लगती, धीरे धीरे तैयारी करते रहेंगे तो बाद में ब्याह में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अरे वारे मेरी बीवी जी कर रहा है यहीं पे शॉपिंग सेंटर में नहीं। अपनी इंडिया में ताक जाक बहुत चलती है। मम्मी मम्मी, अरे मम्मी हमने भी शॉपिंग की है। अच्छा, अरे बाप रे बाप, और ये दो। अरे ये क्या है? लॉटरी के टिकट, जिद कर रहा था तो मैंने खरीद दिए। अबे ओए अभी से गैम्बलिंग करता है? अरे अपने को मेहनत करके कमाना है, समझा? गाड़ी कहाँ है? यहाँ नो पार्किंग है, मैंने वहाँ खड़ी की है। ये लो बेटा चाबी। लो अब वहाँ तक चल के जाना पड़ेगा। हाँ हाँ चलो। बेकार हो गई है सुसरी, हारन के सिवाय सब कुछ बज रहा है, मारूंगा एक पकड़ के बम्पर पे। ऐ छानी चंपक जी। अरे रूपमती तुम, अरे 4 साल से प्यासा कुएं के पास जाता था, आज कुआ खुद चल के आया है प्यास बुझाने। बोलो जी, तुम्हारी प्यास के चक्कर में मेरा तो मीटर ही डाउन हो गया। कौन सा मीटर? ये देखो। वाओ, अरे मीटर डाउन कहाँ हुआ है, मीटर तो अप हुआ है। एक है कि दो है? तो बोलो जी, ऐसे में खेल खानी करना ठीक नहीं है। क्यों जी? दो दिन मेरे अंदर तो धुता बैठा है ना। हाँ? लो पलेदा। सुनो जी, क्यों? मुझे बहुत डर लग रहा है। काय का डर? छादी तो छिपा ली। हाँ? लेकिन ये कैसे छिपाएंगे? बत्ता बत्ता बत्ता। हाँ बच्चा। अरे नहीं छुपाएंगे, मदन भैया के आते ही सब कुछ बता दूंगा। लेकिन मेरी माँ? तेरी माँ की खटिया यही लगवा दूंगा। देख, अभी गाँव जाने की जरूरत नहीं। हाँ। यही रहना, जा अंदर जा। अच्छा? मैं तेरे लिए फ्रूट्स लाता हूँ। इमली भी ले आना। इमली? अमला भी ले आऊंगा, अब भी लाता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता गिरेगी, अब भी लाता हूँ। बेटी पुन्नो। मुन्ना बेटा। क्या हुआ दादू? ये देखो। क्या है? क्या हुआ? अरे वाह, अरे अपने मुन्ना की तो लॉटरी लग गई। क्या 21 लाख की? हाँ। अरे बाप रे, लॉटरी मेरे राजा की फोटो भी मांग रहा था। अच्छा? इसी को कहते हैं अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। पापा आपने हमें गधा कहा? नहीं बेटा, मैं खुद की तारीफ कर रहा था। चलो इसी बात पे पापा से कट्टी कट्टी कट्टी। अब ये खुशखबरी भाभी को सुनाते हैं। ओके। अरे पूनम। अरे ये खुशखबरी फोन पर देने वाली नहीं है, सुनो। हाँ?
कल मुन्ना को लेकर भाभी के पास चलते हैं और उनके चरण छू के उनसे आशीर्वाद लेते हैं। अच्छा है ना? माँ माँ देखो मुन्ना की फोटो छपी है अखबार में। मुन्ना की? अरे वाह, अरे मुझे भी तो देखने दो। बड़ा सुंदर लग रहा है मुन्ना, पर ये फोटो छपी किस लिए है? वाह, 21 लाख की लॉटरी लगी है मुन्ना के नाम। हेलो भैया, प्रणाम। अरे आप कोचिन कब पहुंचे? 2 दिन हुए। अरे पेपर देखकर भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरा शरद अचानक लखपति हो गया है। अरे कहां भैया, भगवान साक्षी है, आपका शरद तो जैसा था वैसा ही है। हाँ, अपना मुन्ना लखपति जरूर बन गया है। और भैया मैंने तो सोच रखा है कि इस रकम की पाई पाई हम लोग मुन्ना और गुड्डी के भविष्य में लगा देंगे। बस भाभी को फोन किया? फोन? अरे मैं और पूनम खुद जा रहे हैं वहां पर चरण स्पर्श करने के लिए। हाँ भैया, दिवाली पर मिलते हैं। अच्छा भैया प्रणाम। बाय। प्रणाम। अरे पूनम आई। अरे चलो यार, कितनी देरी लगा रही हो यार। आई एम रेडी सर। मुन्ना गया? पार्क में गया है दादू के साथ, वहीं से पिकअप कर लेंगे। रास्ता बन रहा है। हेलो, कविता का एक्सीडेंट हो गया। कैसे? कार से। कहाँ? तो कौन से अस्पताल में एडमिट है? जसलोक हॉस्पिटल में। हाँ मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। हाँ मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ? बलसरा सबकी मिसेस का एक्सीडेंट हो गया, बहुत सीरियस है वो। हमें वहाँ जल्दी पहुंचना चाहिए। चलो चलो चलो। लेकिन ये सब सामान भाभी के यहाँ पहुंचाना है। अरे सब ड्राइवर पहुंचा देगा ना, वहाँ पहुंचना बहुत जरूरी है, उसकी जिंदगी का सवाल है वहाँ। चलो। अरे गंगा, बहुत बहुत बधाई हो। मुझे तो जवाहर ने बताया कि मुन्ना की फोटो छपी है अखबार में, लाखों की लॉटरी लगी है। मैं ना कहती थी कि भाग बदलते देर नहीं लगती। अरे काकी, भाग्य हो तो गंगा बहन जैसा देवर को बढ़िया नौकरी मिल गई और अब बेटे के नाम लाखों की लॉटरी निकल आई है। अरे गंगा, अब तो तुम राज करोगी राज। कैसा राज और काहे का भाग? अरे भाग तो इसने अपने ही हाथों पराए हाथों को सौंप दिए। अब बैठिए हाथ कटा के। क्यों, देवर देवरानी? देवर तो खैर जो है सो है, पर असली जड़ तो उसकी लुगाई है। वो कहते हैं ना, छोटे घर की छोरी को अचानक दौलत मिल जाए तो मारे गरूर के उसका दिमाग सातवें आसमान पर जा पहुंचे। पहले नहीं पूछती थी मेरी भोली भाली गंगा को, अब तो पूछो ही मत। अरे तू कहाँ चली? रसोई में कुछ काम है बुआ। बेचारी गंगा, अरे हमने तो अपनी आंखों से देखा है कैसी कैसी मुसीबतें उठाकर शरद को पाला है इन लोगों ने। पालने पोसने की बात तो फिर भी ठीक है, अपना फर्ज निभाया, लेकिन दुनिया की कोई माँ ऐसा नहीं कर सकती कि अपना इकलौता बेटा उठा कर दे दे। अब कौन आया? चलो चलते हैं। हाँ। नमस्ते बुआ। नमस्ते माँ जी। हाँ नमस्ते। बड़ी बहू जी घर पर हैं? है। क्या काम है? साहब ने मुन्नी की लॉटरी की खुशी में फल और मिठाई भेजी है। क्यों, खुद आने की फुर्सत नहीं मिली तुम्हारे साहब को? गंगा तेरे लाडले देवर देवरानी ने बेटे के लखपति बनने की खुशी में ये मिठाई भेजी है। और ये है तुम्हारे साहब की वो भाभी जिसने अपने खून पसीने से सींच कर तुम्हारे साहब को बड़ा किया, अपना बेटा उसको दे दिया। उसे ये भी नहीं हुआ कि ये मिठाई यहाँ लाकर भगवान के लिए बुआ प्लीज। बड़ी बहू जी मन दुखी मत कीजिए, घर घर का यही किस्सा है। नमस्ते। तेरा ये हाल देखकर मेरी तो छाती फटे है छाती। अब मुझसे नहीं देखा जाता, मैं चली जाती हूँ गाँव। जब कहती थी तब तुझे बुरा लगता था, मेरे घर में जहर मत घोलो बुआ, पुन्नो तो लाखों में एक है, शरद मेरा बेटा है, सारे के सारे दलिद्र मिटा देगा। तू तो सारी उम्र पानी में लकीरें खींचती रही, अब देख रही है ना क्या बीत रही है तेरे साथ। अगर शरद तेरा बेटा होता तो मंदिर के फर्श की बात पर साफ ना कहकर तेरी जबान गिरवाता। याद रख गंगा, हमेशा अपना जाया ही काम आवे है, पर तू तो मुन्ना जैसा भाग्यशाली बेटा ही गवाई। अगर आज वो यहाँ होता तो उसके भाग भी इसी घर में होते और तेरे यहाँ सरा से भी बढ़कर ठाट बाट होते।
तुम ठीक कहती हो बुआ। मैं आज तक पानी पर लकीरें खींचने की फजूल कोशिश करती रही, अरे भाभी भाभी प्रणाम। ये क्या इतने दिनों बाद आई और वो भी अकेली, गुड्डी को साथ नहीं लाई? बुआ की तबीयत जरा नरम है, गुड्डी को उन्हीं के पास छोड़ आई हूँ। अच्छा भैया दिवाली पे आ रहे हैं ना? कहा तो यही है, शरद कहाँ है? नहा रहे हैं। अच्छा बताओ नाश्ते में क्या लोगी? अरे बैठो ना। नहीं मुझे जल्दी लौटना है। मुन्ना कहाँ है? आज छुट्टी है ना, दादू के साथ मंदिर गया है, बस आता ही होगा। ओ, फिर तो कोई खास बात है भाभी? हाँ दरअसल मैं मुन्ने को ही लेने आई हूँ। अब सोचती हूँ उसे अपने पास ही रख लूँ। देखो भाभी तुम्हारे मजाक से दिल कैसे धड़कने लगा। मजाक ये नहीं, वो था जो मैं 4 साल पहले कर बैठी, अपने अंदर की मां का गला घोंटकर अपने कलेजे के टुकड़े को तुझे सौंप दिया। भाभी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो या अनजाने में तुम्हारा कोई अपमान हुआ हो तो जो चाहो वो सजा दो मुझे, मैं उफ तक नहीं करूंगी। लेकिन मुन्ना को मुझसे नहीं जुदा करना, वो मेरे शरीर का टुकड़ा ना सही लेकिन मेरी आत्मा का टुकड़ा बन चुका है। उसके बिना मैं नहीं जी सकूंगी भाभी। कुछ तो बोलो भाभी, तुम्हारी खामोशी से मुझे डर लग रहा है। खुशियों का महादान देकर मुझे कंगाल मत बनाओ भाभी, मुझे गलत मत समझना, लेकिन कहीं तुम मुन्ना को, मेरा मतलब है वो जो मुन्ना के रुपए है ना लॉटरी के, कहो तो तुम्हारे नाम ट्रांसफर करवा देती हूँ। पूनम, इतनी हल्की बात करने की तुमने हिम्मत कैसे की? दौलत से कोख खरीदी या बेची नहीं जाती। मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी कहा उसे भूल जाओ, लेकिन मेरी खुशियाँ मेरे अरमान मुझसे मत छीनो भाभी, मुझसे मत छीनो। पूनम पूनम, रोने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं। अरे पगली, जो सुख हमें भगवान नहीं दे पाया उसे इंसान से पाने की उम्मीद क्यों रखती हो? मुन्ना को रोकने का हमें कोई हक नहीं है। भाभी ये पूनम तो ना समझ है, तुम्हारे 4 साल पहले किए गए मजाक को सच समझ बैठी। मैं इसे समझा दूंगा, कल सुबह 11 बजे से पहले मैं मुन्ना को उसके असली घर और वहां तक पहुंचा दूंगा। कम से कम इतना विश्वास तो होगा तुमको अपने शरद पर? तबीयत ठीक नहीं है, तुम हाथ मत फेरो, मैं ऐसे ही सो जाता हूँ। प्यारी भाभी आपके मुन्ना की कुछ आदतें मैंने बिगाड़ दी हैं, माफ करना, ठंडी चीजों से इसकी तबीयत बिगड़ जाती है, सो प्लीज ऐसी कोई चीज मत देना, इसे रात को अकेला मत छोड़ना, बहुत डरता है। आपकी पूनम।
खुशियाँ पल भर में खो जाए, सब पाके यहाँ सब खोना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, रब जो चाहे तुम्हारी मम्मी के पास ही तो लेके चल रहे हैं। यही तो तुम्हारी मम्मी का घर है। झूठ है। नहीं मुन्ना, हम सच कह रहे हैं। चलो। नहीं, मुझे मेरी मम्मी के पास ले चलो पापा, प्लीज पापा। बेटा, आज से आपको यही रहना है। चलिए। हम आपके पापा नहीं हैं। हमने तो बस थोड़े दिन के लिए खेलने के लिए आपको ले लिया था। अब वापस लौटना तो पड़ेगा ही ना। नहीं। 11 तो बज चुके गंगा, शरद मुन्ना को लेकर अब तक नहीं पहुंचा। ये लो भाभी, संभालो अपना मुन्ना। नहीं पापा, नहीं पापा, प्लीज मेरे को छोड़ के मत जाइए पापा। इसमें मुन्ना के कपड़े हैं। पापा मेरे को छोड़ के मत जाइए। और ये अमानत है मुन्ना की, लॉटरी के रूप में पूरे 21 लाख है, गिनवा लेना। और हाँ, वो पूनम ने चिट्ठी भेजी थी, इसमें मुन्ना के बारे में पढ़ लेना। मुन्ना, आंटी मुझे मेरी मम्मी के पास ले चलो ना। अरे पगली, यहाँ रोने से कुछ नहीं होता है। चलो। अरे रोकर आज तक किसी को कुछ मिला है क्या? हाँ, और याद है तुम्हीं ने तो मुन्ना के बर्थडे पे गाया था, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है। हाँ, और कुछ और भी तो कहा था ना तुमने? हाँ, तुमने कहा था जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल। हंसो पूनम, अपने दिल को बड़ा रखो, मेरी तरह, मेरी तरह। हंसो पूनम, तुम हंसते क्यों नहीं? क्यों
नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते साहब। अब शरद साहब यहाँ नहीं रहते। ऑटो आप? अरे कैसे हो मदन बेटा? ये सब क्या हो रहा है दादाजी? अभी अभी पता चला कि शरद ये घर नौकरी छोड़कर चला गया है। बहुत दुख हुआ, लेकिन आपको इस हाल में देखकर मुझे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा है। नहीं नहीं बेटा, आपका भाई तो हीरा है हीरा। दरअसल वो मुझे भी साथ ले जाना चाहता था, पर मैंने मना कर दिया। आप क्या कह रहे हैं? क्या शरद ये शहर छोड़कर चला गया? क्या उसने कोई दूसरी नौकरी कर? पता नहीं बेटा, कहां गया है, क्या करेगा? मुझे तो इतना ही पता है बेटा कि मेरे शरद और पूनम का दिल टूट गया था। दादाजी, दादाजी, आप मुझे साफ साफ बताइए, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि मेरा लक्ष्मण जैसा भाई मुझे बताए बगैर मुझसे दूर चला गया? बताइए दादाजी। बेटा, वो दिन छुट्टी का दिन था। मैं मुन्ने को लेकर मंदिर गया था। बेटा, शरद ने कहा था भैया मिले तो उन्हें ये पासबुक और ये लॉकर की चाबी दे देना। बुड्ढी की शादी के लिए शरद ने कुछ पैसे जमा किए थे और पूनम ने कुछ जेवरात बनवाए। गंगा आप आप कब पहुंचे? दूर रहो। गंगा कहां है? मैं पूछता हूं मेरी गंगा कहां है? कहां मारकर फेंक आई तुम उसे? आप ठीक तो है ना? मैं तो आपके सामने ही। नहीं नहीं, तुम मेरी गंगा नहीं हो। मेरी गंगा की बूंद बूंद से प्रेम का अमृत छलकता था। लोभ और लालच का विष नहीं, उसकी लहर लहर में त्याग और कर्तव्य का मीठा संगीत बहता था। ईर्ष्या स्वार्थ की गालियां नहीं। अरे अरे, तूने कागज के चंद टुकड़ों के लिए वो दौलत गवा दी जिसके रहते तू संसार की सबसे बड़ी दौलतमंद थी। प्रेम की दौलत, आदर और सम्मान की दौलत, गृहस्थी के सुख की दौलत। अरे ये सब क्या कम था जो तूने एक मां से उसका बच्चा छीन लिया, एक भाई से उसका भाई छीन लिया। क्यों किया तूने ऐसे? अरे क्यों किया? सिर्फ इसलिए ना कि तू इस सोने चांदी की ढेर पर बैठकर मेरे साथ दिवाली मनाएगी, जश्न मनाएगी? नहीं, अब इस घर में कोई चिराग नहीं जलेगा, कोई रोशनी बाकी नहीं बची। अपने हाथों अपनी चिता जलाकर जा रहा हूं। मर गया मदन। नहीं। तुमने उसे मार डाला, तुमने। मुन्ना मैं भी आपके साथ चलूंगी पापा, मैं यहां नहीं रहूंगी। शरद और पूनम ने जाने कब से तुम्हारी गुड्डी की शादी के लिए रुपया और जेवर इकट्ठा कर रहे हैं। लो संभालो इसे, सब तुम्हारे नाम है, मेरे श्राद्ध में खर्च कर देना। माया लोभ में भटक रहा इंसान,
जवाई जी आ गए। अच्छा हुआ। गंगा क्या हुआ तुझे? और ये क्या हाल बना रखा है? वो भी पूजा की शुभ दिन। पूजा? कैसी पूजा? किसकी पूजा? जिस मंदिर का देवता ही चला गया हो वहां किसकी पूजा? गंगा नहीं, जब गंगा थी सब उसे आंखों से लगाते थे, मगर तुमने गंगा में जहर घोल घोल कर उसे गंदी नाली बना दिया, जिसने मेरे सुखी संसार में आग लगा दी। दिमाग के किसी कोने में पड़े इच्छाओं के छोटे से कीड़े को तुमने अजगर बना दिया, जो सब कुछ निकल गया। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा सुहाग, चली जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हें भी निकल जाऊंगी। चली जाओ, चली जाओ, हे भगवान। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या देख रहे हो? बीते हुए समय की निशानियां। शरद? अरे चंपा, क्या हुआ? ए भोपू, तू इतना गुमसुम क्यों? बे भैया। भैया क्या हुआ? भैया को उधर टैक्सी में बैठे हैं। यह अधिकार, यह अधिकार मैं खो चुका हूं। ऐसा मत कही भैया। भूल जाए पति से हो या पत्नी से, अपराधी दोनों ही होते। अरे नहीं भैया नहीं। भाभी कहां है? अपनी सोने की लंका में है, दिवाली के दिए जला रही होगी। यानी कि आप भाभी को? नाम मत लो उसका, वो मेरे लिए मर गई है और मैं उसके लिए। मैं जानता था कि चंपक को तुम्हारा ठिकाना जरूर मालूम होगा। सोचा पूनम को उसका बेटा सौंपकर तुम लोगों से माफी मांगकर कहीं दूर जाकर अपना चेहरा छुपा लूं। यह आपने अच्छा नहीं किया भैया। लेकिन जो उसने तुम लोगों के साथ किया उसकी सजा तो और भी बड़ी होनी चाहिए थी।
भैया आप तो मुझसे बड़े हैं, आपको क्या समझाना। अरे गलती तो हर इंसान से होती ही है। चलिए मानी कि भाभी से गलती हुई, मगर इससे पहले कि वो अपनी गलती का एहसास कर पाती, आप खुद इतनी बड़ी गलती कर बैठे। माफी चाहता हूं भैया, जीवन में पहली बार आपके सामने मुंह खोला है, वो भी इसलिए कि मैं भाभी को अच्छी तरह जानता हूं। आप तो उनका जीवन उजाड़ कर यहां चले आए, मगर कभी ये भी सोचा है कि आपके यहां आने के बाद वो, आप मेरे साथ चलिए। वो घर, वो रिश्ता मैं बहुत पीछे छोड़ा हूं। ठीक है, अगर आप वो रिश्ता तोड़ आए हैं तो इस रिश्ते को भी आज से खत्म समझिए। चलो पूनम, चल चपक चल, चल, चल। बच्चों जल्दी करो। अधिकार छीन लिया, तुम लोग मुझे माफ कर देना। क्या कर रही हो? हम लोग तो दिवाली की पूजा के लिए आए थे, है ना पूनम? चलो अभी चलो। इस घर में अब कोई चिराग नहीं जल सकता। मेरे लोभ और लालच की आंधी ने उन्हें हमेशा के लिए बुझा दिया। अब मैं जीना नहीं चाहती। तुम्हें जीना होगा भाभी, हमारे लिए, इन बच्चों के लिए। बच्चों की ममता औरत की जिंदगी होती है, पति की नफरत उसकी मौत। मैं अपना विवेक खो बैठा था, भूल गया था कि आदमी हालात और कमजोरियों की मिट्टी से बना हुआ वो खिलौना है जिससे गलतियां होती रहती हैं। तुमसे भी गलती हुई, हालात ने गंगा में विष घोल दिया था जो आंसुओं से बाहर निकल आया।
मेरी गंगा फिर से निर्मल हो गई। हाँ गंगा, यहां से नहीं, तुम्हारा प्रायश्चित है, मेरा अभिमान और इस घर की खुशियां। पूनम जी, जरा पूजा की थाली तो ले आना। दिवाली की रात बीत ना जाए पूनम, पूजा का दीपक जला दो। नहीं भाभी, ये अधिकार तुम्हारा था, है और सदा रहेगा। Oh, no.